पीटीआई एमएनएस की मुमकिन गिरफ्तारियां, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि पीटीआई एमएनएस की मुमकिन गिरफ्तारियां, पार्लियामेंट हाउस के बाहर फिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब, बताएं पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक दफ़ा फिर से जो सिक्योरिटी के जो सख्त इकदाम हैं वो देखने में आ रही हैं, और इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, और उनकी जो मुख्य गाड़ियाँ हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो संभाल ली है, जबकि मुतलका जो SHOs हैं उनको भी ड्यूटी पर पहुँचने की हिदायत की गई है, और भारी नफरी को खासतौर पर एंटी राइट फोर्स को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जराय का ये बताना है कि गुज़श्ता कल की तरह दोबारा फिर से आज से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो MNAs हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं, जिसके लिए पुलिस ने अपने जो हिफाजती इकदाम हैं और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किए हुए हैं, लेकिन अब तक किसी भी MNA की जो फहरिस्त है या नाम है वो सामने नहीं आया कि आखिर आज दोबारा फिर किसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करते हैं तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बड़ी गिरफ्तारियाँ हैं वो देखने में आई थी, जिसमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर, शुएब शहीन, शेर वकास अक्रम, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, आहद शाह और शौकत अब्बास समेत जो है अब्दुल नसीम शाह समेत जो है वो दिगर रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हुए थे, और ये तमाम गिरफ्तारियां कल 8 बजे से लेकर रात गए तक जो है होती रही थी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर कल पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया था, तब देखना ये होगा कि आज जो है मजीद कितनी गिरफ्तारियां इस हवाले से होती हैं। जी ठीक है तैयब साहब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।